अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में डिटेल बताया गया है कि आप अपनी आईब्रोज को कैसे फिलअप कर सकते हो और अपनी अंडर आई और आईलिड के ऊपर जितनी भी पिगमेंटेशन है आप उसको किस तरह से हाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ एवर ब्यूटी का जेल आई लाइनर ब्राउन कलर में, अपनी आईब्रोज को फिलअप करने के लिए एक एंगल ब्रश के साथ। ये एंगल ब्रश मोस्टली हर मेकअप सेट में अवेलेबल होता है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी छोटा सा ब्रश हो तो आप उसकी हेल्प से अपनी आईब्रोज को अच्छी तरह फिलअप कर सकते हो। जहाँ जहाँ भी आपको लगे कि मेरे यहाँ से बाल मिसिंग है उस जगह पर आपको फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद आपने इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसको फिर भी ब्रश करना है ताकि जितनी भी आपने जो प्रोडक्ट लगाई है वो इवनली स्प्रेड हो जाए। ये ना हो कि किसी जगह बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हो और किसी जगह बहुत कम। आईब्रोज को फिलअप करने के बाद बारी आती है आपकी आईलिड और अंडर आई की। इनको कंसील करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिनी स्टार की पैलेट, और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अपनी आईलिड के ऊपर और अंडर आई पे अच्छी तरह से कंसीलर अप्लाई करूँगी ताकि मेरी आई में जितनी भी पिगमेंटेशन है वो सारी अच्छी तरह छुप जाए और मेरी अंडर आई और आईलिड अपनी स्किन के लेवल तक आ जाए। इसका मैं कलर करेक्ट करूँगी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से। तो काइंडली जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें, और जितने लोगों ने अभी तक मुझे सपोर्ट किया है उनका बहुत बहुत थैंक यू कि उनकी वजह से मुझ में और ज़्यादा मोटिवेशन मिली है मुझे उनकी वजह से कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मेरा दिल करता है मैं बनाऊँ और अपलोड करूँ। तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए करिए कि आपको अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। तो वीडियो की तरफ आते हैं। मैंने अच्छी तरह से अपनी आईलिड और अंडर आई पे मैं कंसीलिंग कर चुकी हूँ और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि जितनी मेरी स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो सकती है ये कंसीलिंग जो मैंने की है अच्छी तरह से हो जाए। तो देन हम इसके ऊपर इसको सेट करेंगे। अगर आप अपनी आईलिड को कंसील कर लेते हैं बहुत ही अच्छी तरह से तो ये आपका आई मेकअप बहुत ही अच्छा सा इन्हेंस कर देता है। आपके आई शेडो का कभी भी कलर चेंज नहीं होता इसकी वजह से, और बहुत ही प्यारी प्रोफेशनल लुक आपके पास आती है। मैं जिस फ्लैट ब्रश से मैंने कंसीलर अप्लाई किया था मैं उसी फ्लैट ब्रश के साथ इसको अच्छी तरह से इसकी एप्लीकेशन कर रही हूँ। बिल्कुल भी ये नहीं किया कि जल्दी जल्दी लगा के आपने छोड़ दिया। जब भी आप कंसीलिंग करें तो बहुत अच्छी तरह से अपने आईलिड को नीट करें और अपने अंडर आई को सेट करें ताकि किसी जगह पर प्रोडक्ट ज़्यादा और किसी जगह पर कम ऐसा बिल्कुल भी ना हो। तो आप देख सकते हो मैंने कितनी अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है और बिल्कुल इवन लग रहा है। देन मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से यूज़ कर रही हूँ इसके ऊपर अपनी जो मैंने कंसील किया था ग्लैमरस फेस का फेस पाउडर। आप इसके लिए सेटिंग पाउडर, लूज पाउडर ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। तो ग्लैमरस फेस का जो पाउडर है बहुत ही मज़े का पाउडर है, ऑयल फ्री है, आपकी स्किन पे ऑयल नहीं आता। स्पेशली वो गर्ल्स जिनको ऑयली स्किन का इशू है तो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट है। ये आप फुल फेस पर भी यूज़ कर सकते हो और अपनी सेटिंग पाउडर के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। दो पर्पज़ से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो जो फ्लफी ब्रश मैंने उठाया था उसी की हेल्प से मैं अपनी आईलिड पे और अंडर आई को अच्छी तरह से सेट करूँगी ताकि मेरा जो कंसीलर मैंने लगाया था ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए, ये बिल्कुल भी ना उतरे। अगर आप चाहें तो इसके लिए आप एक बड़ा ब्लशन ब्रश भी यूज़ कर सकते हो या पाउडर ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। मैं एक बड़ा ब्रश भी यूज़ कर रही हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये फ्लफी ब्रश नहीं अवेलेबल है तो वो अपने मेकअप सेट में से बड़े वाला ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर भी आप अच्छी तरह से प्रोडक्ट लेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से यूँ डैबिंग मोशन में आप इस पर डैप करते जाएंगे और बड़ी अच्छी तरह से ये प्रोडक्ट लग जाएगी जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। बिल्कुल हल्के हाथ से आप अप्लाई करेंगे, बहुत जोर या हार्श वाला ब्रश आप नहीं चलाओगे, बहुत हल्के हल्के हाथ से आप अप्लाई करोगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हो कि किस तरह से नीट और इवन लुक आ गई है, क्योंकि मेरे पास डार्क सर्कल मुझे बहुत ज़्यादा है तो अब एक प्रोफेशनल लुक बहुत ही नीट और एक स्मूथ कैनवस मेरे पास आ गया है। इस पर मैं जो भी आई शेडो अप्लाई करूंगी सेम एज इट इज़ उसका कलर आएगा, सेम एज इट इज़ वो लगेगा। तो काइंडली मुझे थोड़ा और मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें एंड शेयर करें, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ न्यू टॉपिक पर, ऐसे टॉपिक्स जिन पे आपको इशू होता है और आपकी वो कन्फ्यूजन क्लियर नहीं है तो